बिग बॉस के घर में जब घर वालों से गलतियां होती है और गलतियों को बार बार दोहराया जाता है तो बिग बॉस एक्शन में आ जाते हैं। बीते कुछ हफ्तों में लगातार बिग बॉस एक्शन में रहे, चाहे वो सजा देने की बात हुई या डायरेक्ट एलिमिनेट करने की बात हुई हो। लेकिन एक बार फिर से बिग बॉस ने घर वालों के मुंह पर तमाचा मार दिया। बात कालकोठरी से जुड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, बिग बॉस सीजन 12। दरअसल बीती रात हुआ ऐसा कि टास्क के दौरान ये डिसाइड होना था कि घर के कौन से 3 सदस्य काल कोठरी की सजा भुगतेंगे। सबके गुनाहों का घड़ा रखा गया, गुनाहों के घड़े को भरा गया और फाइनली बवालों के बाद ये डिसाइड हुआ कि मेघा धड़े जाएंगी काल कोठरी में। उसके बाद आता है जसलीन का नंबर और तीसरे नंबर पे आ जाती है दीपिका कक्कड़। इन तीनों को काल कोठरी की सजा दी जाती है, लेकिन घर में बवाल ये मचता है कि क्या हमारी गलतियां उन लोगों की गलतियों से ज्यादा बड़ी थी जिन्होंने हद पार कर दी थी। साफ तौर पे आरोप लगे घर के कैप्टन सुरभि पर भी कि वो बायस्ड हैं। सबको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं दीपक काल कोठरी जा सकते हैं, कहीं ना कहीं रोहित को काल कोठरी की सजा होगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। खास तौर पर जसलीन और दीपिका को लेकर कई लोगों के ये भी सवाल रहे कि इनको कैसे भेजा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जब ये काल कोठरी की सजा पूरी हो गई तो बिग बॉस ने घर वालों को बुलाया और घर वालों की क्लास लगाई। उन्होंने सृष्टि को भी डांटा कि सृष्टि ने अपने आप अपना इलाज कैसे करवा लिया, जबकि पहले हफ्ते में बताया गया है कि घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल है। कुछ ऐसा ही हुआ रोहित के साथ। रोहित को भी बिग बॉस ने फटकार लगाई और कहा कि आपकी गलती को क्या कहा जाए, जानबूझकर की गई गलती आपकी चोरी की आदत कहें, आपकी लत कहें या क्या कहें। इसके बाद बिग बॉस ने अपना फरमान सुनाया और कहा कि रोहित को काल कोठरी की सजा दी जाती है और सुरभि को पावर दी गई कि वो किसी एक को बाहर निकाले, तो उन्होंने दीपिका को बाहर निकाला और रोहित काल कोठरी में पहुंचे। लेकिन इसके बाद डिस्कशन शुरू हो गया। सभी घर वाले जो अब तक रोहित को सपोर्ट कर रहे थे वो कहते नजर आए कि हमारे मुंह पर तमाचा है बिग बॉस का। सुरभि खास तौर पे कहती नजर आती हैं कि बिग बॉस ने हमारे मुंह पे बहुत जोर का तमाचा मारा है, क्योंकि हमने रोहित को काल कोठरी नहीं भेजा जबकि रोहित गलतियां कर रहा था, लगातार वो एपिफिस चुरा रहे थे और बार बार कहने पर भी नहीं मान रहे थे। इसके बाद रोहित काल कोठरी चले जाते हैं और जसलीन मेघा उन्हें बहुत चिढ़ाती हुई नजर भी आती है, घर वाले भी उन पर हंसते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सबक मिला जो ये समझ रहे थे कि अपने किसी बंदे को बचा लेंगे और इन लोगों को टारगेट कर लेंगे। उन्हें समझना होगा कि गलती करने वाले को ही भेजेंगे, वरना बिग बॉस को तो इंटरफेयर करना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है।